हेलो एवरीवन, आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इस फूल की सब्जी। तो इस फूल को आप क्या कहते हैं, आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये केले का फूल है और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये कितना फ़ायदेमंद है। तो इस फ्लावर से थोड़ी सी मेहनत करके हमें इसके जो ये साइड से पत्ते हैं इसे निकाल लेने होते हैं, और जो ऊपर से ये नुकीली सी डंटी टाइप की दिखती है इसे निकाल लेना होता है। तो इसे जो है हमें ऐसे निकाल देना है। उसके बाद इसे हम पानी में डाल करके रखेंगे और चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीन फूल लिए हैं और तीनों के फ्लावर को इस तरह से अच्छे से निकाल लेना है। ईजिली निकल जाते हैं और आप चाहे तो इन पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फिलहाल मेरे पास ढेर सारे हैं तो मैं इन फूलों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इन फूलों को अच्छे से निकाल लेना है। एक एक लेयर को आप खोलते जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये फूल जो है निकलते जाएंगे। इन पत्तों की भी सब्जी बनती है, जो पत्ते सॉफ्ट होते हैं अंदर वाले उनकी सब्जियाँ बनती हैं, तो आप चाहे तो उसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक का मैंने पूरा निकाल लिया है और आपको अगर लग रहा है कि अंदर और भी है तो आप इसे निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर ये डन हो जाता है और फिर आपको जो अंदर वाला दिख रहा है उससे एकदम बारीक कट कर लेना है। तो उसे भी साइड में रखते हैं और दूसरे वाले की भी इसी तरह से खोल करके निकाल लेते हैं। वैसे मैं बता दूँ, केला जितना फ़ायदेमंद होता है वैसे ही केले का फूल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको खाने से हमारे शरीर में कई बीमारियां दूर होने के साथ साथ हमारे शरीर को भी हेल्दी रखता है। और केले के फूल में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर, ये सब गुण पाए जाते हैं। तो इसे खाना हमारे लिए सच में बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके सेवन से आपके पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाती है और साथ में हार्ट अटैक का भी खतरा कम हो जाता है। हमारा हार्ट जो है हेल्दी रहता है, तो इसका सेवन ज़रूर करिए, ये मेरी सलाह है। इस फूल के और भी फायदे हैं, तो इससे जो है हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प होती है और डायबिटिक पेशेंट आसानी से इसे खा भी सकते हैं और हमारे शरीर में किडनी संबंधित बीमारियां होने के भी खतरे जो है वो कम हो जाते हैं। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसके कारण से ये ब्रेस्ट मिल्क को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अब देखिए, इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स निकाल लिए हैं। तीसरे वाले में उतने फूल नहीं निकले थे तो बस उसे ऐसे ही मैंने छील करके रख लिया। अब जो है एक एक फूल को इस तरह से हमें लेना है और इसमें जो ये ऊपर वाली पेरियांथ होते हैं उसे निकाल देना है और ये जो कांटे टाइप की थोड़ी हार्ड होती है स्टाइल स्टिग्मा, इसे भी हमें निकाल देना है। इससे देखते ही आप पहचान लेंगे, इसके ऊपर बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बस टच करने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये हार्ड वाला है, इसे हमें नहीं रखना है। और बाकी सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं तो उन्हें हमें नहीं निकालना है। जो हार्ड होते हैं उसे पकड़ के आसानी से खींच लेंगे और निकल जाएगा और उसे बाहर कर देना है। वो खाने में कड़वे भी होते हैं, सब्जी हमारी कड़वी कर देंगे, इसलिए उन्हें सबको बाहर निकाल दें और बाकी सबको पानी में डाल करके रखें ताकि वो काला ना पड़े। तो इस तरह से अच्छे से इसे धो लेना है। अगर आपको चिपचिपापन महसूस हो तो आप बार बार अपने हाथों पर ऑयल लगा लें, चाकू और चॉपिंग बोर्ड पर भी ऑयल लगा करके कट करें, वरना वो चिपचिपा जो होता है बनाना का वो लग जाता है। तो इस तरह से आप इस पर सब पर ऑयल लगा करके आसानी से इसे कट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें, ये स्लिपरी हो जाता है तो थोड़ा ध्यान से इसे कट करें। तो इस तरह से अभी जो है इन सबको कट कर लेना है बारीक बारीक से। आप चाहे तो इसके अलग से सब्जी बना सकते हैं, पर ये इस सब एक साथ अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। आप भी इस तरह से एक बार बना करके देखिए, आप बार बार इस तरह से बना करके खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सभी को उठा लेना है और यहाँ पर उसी पानी में मैं इसे डाल दे रही हूँ ताकि सब एक साथ रहे और काला ना पड़े। साथ ही मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ, तो यहाँ मैंने दो आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, इन्हें अच्छे से धो लिया है। और अगर आप चाहते नहीं कि आलू इसमें डालें तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे वैसे आलू की सब्जी हो या कुछ भी हो अब बहुत पसंद आती है, तो मैं यहाँ दो आलू कट करके डाल रही हूँ ऐसे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ दो प्याज और एक अदरक का टुकड़ा भी मैंने इसे ले लिया है। तो यहाँ पर प्याज को भी छील लेना है और नॉर्मल जैसे हम सब्जी बनाते हैं बस उस तरह का कट कर लेना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूं और कुछ नई नई बातें भी आप सभी को बता सकूं कि हमारे शरीर के लिए क्या हेल्दी है क्या नहीं है। तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और कमेंट भी ज़रूर करें कि मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊँ। तो इस तरह से मैंने प्याज कट कर लिए, आलू कट कर लिए। अब जो है इन फूलों को अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें जो भी कसैलापन हो वो बाहर निकल जाए। तो एक बार तो ऐसे मैंने डिप करके कुछ देर छोड़ दिया था, अब यहाँ पर फ्रेश पानी से इसे फिर से धो ले रही हूँ। धोने के लिए आप यहाँ पर छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप आसानी से छान पाएंगे। तो इसे धो लेना है एकदम बढ़िया से ताकि इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह ना हो। और अगर आप फ्लावर ख़राब दिख रहे हैं तो आप उन्हें आसानी से हटा दें, उन फ्लावरों का इस्तेमाल ना करें। और जो थोड़े बड़े फ्लावर होते हैं उसे आप उंगली से तोड़ करके देखेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, तो उन्हें भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर को छान लेना है और यहाँ एक पतीले में मैं पानी डाल रही हूँ और फ्लावर को डाल करके इसे 1-2 मिनट के लिए बॉईल करूँगी हल्दी नमक के साथ। तो इससे क्या होगा कि इसका जो कड़वापन है निकल जाएगा, कसैलापन जो है बाहर आ जाएगा और हमारी हेल्दी वाली सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 1-2 उबाल आ चुका है, अब इसे बंद कर देती हूँ और इसे छान लेते हैं। अब इसे छानने के बाद हमें चाहिए कुछ मसाले, तो मसालों को मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले रही हूँ। इसमें ले रही हूँ टमाटर, अदरक, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी गोलकी, इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेज़पत्ता, हरी मिर्च के साथ आलू को पहले भून लेंगे। आलू जब अच्छे से कलर ले ले, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। अगर आप चाहें तो आलू को बाहर निकाल सकते हैं तब तक के लिए जब तक कि प्याज भून रहा हो, पर मैं सब कुछ एक ही साथ कर रही हूँ तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाई थी उसे इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें डाल दे रही हूँ मैं बेसिक मसाले, वही हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ये काश्मीरी है, जीरा, और यहाँ पर अगर आपको तीखा और पसंद हो तो आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मेरे लिए काफ़ी है तो मैंने इतना ही डाला। और इसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि ऑयल ना छोड़ने लगे। मैं यहाँ ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इसलिए कम दिखेगा आपको। तो इसी तरह से बनाएंगे तो हेल्दी भी रहेगा, ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है मैंने केले का फूल जो है यहाँ डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे से मसालों के साथ ही भुने और अच्छे से पक जाए। आप चाहे तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और मसाले ऐड कर सकते हैं, पर मुझे जो मसाले पसंद थे मैंने वो डाल दिए हैं। और इसे ढक कर के कुछ देर पका लेना है। उसके बाद अगर ये भुन जाए तो अगर आपको ग्रेवी पसंद हो ज़्यादा, इसमें आपको पानी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना हल्की सी पानी डाल करके इसे 2-3 मिनट अच्छे से पका लेना है ताकि मसाले जो है फूल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और ये सब्जी बन करके तैयार हो जाए। तो देखिए कुछ देखने में इस तरह से दिख रही थी लेकिन खाने में इतनी लाजवाब सब्जी थी कि आपको बस इसकी याद ही आती रहेगी हमेशा। साथ में धनिया डाल ले, गार्निश कर ले और ये बन करके तैयार है। अब आप इसे रोटी, चावल, जिसके साथ भी खाना चाहे आप इसे परोस सकते हैं। मैं फ़िलहाल ऐसे ही परोस रही हूँ लेकिन मैं चावल के साथ इसे खाना पसंद करती हूँ। लास्ट में मैंने इसे चावल के साथ ही परोसा और फिर इसे इंजॉय किया। मेरे घर में ये सभी को बहुत पसंद आया और ये सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप कम मसाले डालते हैं तो और भी फ़ायदेमंद है क्योंकि ये हेल्दी हो जाएगा। और केला जिस तरह फ़ायदेमंद होता है उस तरह इसका फूल भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे शरीर के लिए एकदम औषधीय गुणों से भरपूर है ये। तो इसे खाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।